मैं मानता हूँ इसकी खुशबू थोड़ी तेज है। थोड़ी तेज? पहली बात तो इसे खुशबू नहीं बदबू कहते हैं, वो भी उस गीदड़ तबाकी के पसीने की सड़ी बदबू। तुम्हारे मजाक पर हंसी नहीं आती बघीरा, पर ये लहसुन का पौधा अच्छा तरीका है मधुमक्खियों से शहद चुराने का। इन्हें भी ये खुशबू पसंद नहीं, तो लहसुन का पौधा लाओ और मधुमक्खियों से शहद ले जाओ। और सबसे अच्छा मौका होता है रात का अंधेरा और सन्नाटा, क्योंकि मधुमक्खियों को भी रात में सोने की आदत होती है। एक और चीज जो उन्हें पसंद नहीं वो है पानी। तो कभी मधुमक्खियाँ तुम्हारे पीछे पड़ गईं, यही एक रास्ता है। आ जाओ पानी में, क्योंकि यहाँ वो तुम्हें नहीं काटेंगी। आज का लेसन कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया बघीरा? ओवरडोज हो गया। वही तो, निकल लेते। और पानी में जाने से आपकी बदबू भी चली जाती है। तो देखा मोगली, मोगली, मेरा लेसन अभी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ हो, पकड़ लिया। का मुझे लगा यहाँ मोगली लटका है। पर मिस्टर बल्लू, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा को मिलनी ही चाहिए। का बस करो, गलती हो गई, सॉरी। बल्लू भी ना, पता नहीं उसे भाषणबाजी करने में इतना मजा क्यों आता है। अरे वाह, कितनी बड़ी चट्टान है ना। ओह मोगली, वो चट्टान तो टूरिस्ट में लास्ट आएगा वो डरपोक चींटी। मोगली नीचे आ जाओ। मोगली, ये चट्टानें खतरों से भरी हैं। बलू, हाँ बलू को लेकर आता हूँ। आज रात डिनर होगा इंसानी बच्चे का, मेरी जबान को। किस गुस्ताख की इतनी हो? इंसानी बच्चे का दोस्त बघीरा, अगर ये यहाँ है यानी मेरा डिनर भी यहीं कहीं होना चाहिए। ऊपर से तो ये चट्टान काफी कमजोर है। मधुमक्खी, ये तो, ओहो, लगता है ये चट्टान नहीं एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। अरे नहीं, बलू, वो वहाँ मोगली को। बलू, मेरी मदद करो बघीरा, का आज बहुत गुस्से में लग रहा है। चलो तुम्हारी इस सजा को किसी और दिन पूरा कर लूंगा बलू। बड़ी जल्दी डर गए का, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हें देखकर भाग गया बघीरा। मोगली कहाँ है? यही सवाल तो मैं भी पूछने वाला था। शेर खान, क्यों झटका लगा? बताओ कहाँ है वो इंसानी बच्चा? देखो, सीधे बताओगे या मेरे पंजों की कसरत करवाओगे? बलू का लेसन काम आया, मधुमक्खियों को पानी पसंद नहीं, मान गए बलू। बाया था बलू से उलझने। हाँ हाँ, तुमने भी उसे भगाने में मदद की। बघीरा, क्या हुआ दोस्त? दो दो हाथ शेर खान के साथ। ओ बलू, आराम से मोगली, आज अच्छी खासी खिंचाई हुई है। तो शेर खान ने ये किया ना?
इसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा दोस्तों। मोगली, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं। मुझे अपनी दोस्ती की कसम, मैं जल्दी सबक सिखाऊंगा शेर खान के बच्चे को, वरना मेरा नाम मोगली नहीं। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मत भूलो तुम एक इंसानी बच्चे हो और वो एक खूंखार बाघ। पर हमें कुछ तो करना ही होगा, तो जो हुआ उसे भूलना होगा। बलू, वो तुम मधुमक्खियों के सोने के बारे में क्या कह रहे थे? चलो तुमने कुछ तो सुना है ना? सूरज ढलने के बाद प्यारी मधुमक्खियाँ। प्यारी? वो जो मेरे पीछे पड़ी थी वो तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। तुम्हारे पीछे? उस चट्टान पर हजारों मधुमक्खियों ने मुझे घेर लिया था। तुम वहाँ गए थे? वो खतरनाक जगह है, उन काली मधुमक्खियों के इलाके में अपना हाथी भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ओ अच्छा। सुनो मोगली, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने कैसी भी मजबूरी हो या किसी भी कीमत पर, तुम उन मधुमक्खियों के इलाके में नहीं जाओगे, समझ गए? ठीक है बलू। शेर खान के बच्चे, तुझे मोगली के दोस्त से पंगा लेना भारी पड़ेगा। ओए मधुमक्खी, अभी तक सोई नहीं? नींद आने की बीमारी है क्या तुझे? शायद नींद में उड़ रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किसी भी मस्करेट का सामना तुम्हें किस तरीके से करना चाहिए। बलू, मेरे पास इसका एक अच्छा जवाब है। पहले इधर दौड़ाऊंगा, फिर उधर दौड़ाऊंगा। हर बात को तुम मजाक में लेते हो मोगली। हाँ तो ऐसा है कि अपने लेसन पर ध्यान दो मोगली। पूरा ध्यान है मेरा। हाँ तुम्हें कहा था। तुम कह रहे थे तुम्हें कह रहा था चाल कामयाब रही। बड़े भोले हो बलू। अब बारी उस शेर खान की। इनसे उस शेर खान को पता चलेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बलू। मोगली कहाँ है? वो यहीं था ऊपर। मोगली, मोगली। ओहो, बड़ी कच्ची तालीम है बलू। उसे जंगल के गुर अच्छे से नहीं सिखा रहे हो। उसने अपने पीछे कितना साफ रास्ता छोड़ा है। कहीं मैंने ज्यादा आसान निशान तो नहीं छोड़े? ओहो। आज तेरा आखिरी दिन है बच्चे। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो बचकर कहीं नहीं जा सकता। ये सजा है मेरे दोस्त को सताने की। एक मक्खी होकर तेरी इतनी। अरे नहीं, मैं शिकार नहीं हूँ। शेर के काम में। अरे हट जा, दूर रह जा। अरे तुम लोग फिर आ गए। काटो मगर प्यार से। शेर खान कुछ नहीं। पकड़ो। आज के बाद ऐसी भूल कभी मत करना मोगली। हाँ पर बलू, इसने हमारे आने के लिए सुराग भी तो छोड़े थे। हाँ, बदला ले ही लिया। कोई भी मेरे दोस्त को परेशान करेगा तो मैं उसे। मोगली, मैंने पहले भी तुम्हें ऐसी हरकत करने से मना किया था, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी।
पर तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। शेर खान छपाक से पानी में गिरा, याद रखेगा वो ये सबक। जब शेर खान गिर रहा था तब उसका चेहरा गीदड़ की तरह लग रहा था। हाँ हाँ वो तो है ही, पर मोगली तुम स्टूडेंट तो अच्छे हो ही, मैं टीचर भी कमाल का हूँ। मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बताता, मेरी हर बात शुरू मत हो जाना बलो। करो।